दुनिया का सबसे बेहतरीन हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे। जब तक हमारे वो अजीज आएंगे तब तक थोड़ी सी ना नींद की झपियां लेंगे। व्हाट हैपेंड? ये जहाँ से नीचे से और वहाँ से, ये जम्मू श्रीनगर हाईवे का ना सबसे मशहूर तरीन हिस्सा है। अगर किसी को पता है वो रोड कौन सा वाला है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरा एलएनटी जो है वो स्लाइड के नीचे आ चुका है। घर बंद है, घर सासा बर नियर है निजा चटे सासे क्रो सासा से ही खासा वो छुमन का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से हैं। जम्मू वाली सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका खैर मकदम है। तो अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और टेम्परेचर दिखा रहा है 27 डिग्री का। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है इस वक्त जम्मू में है। और आज का हमारा प्लान है कि हम लोग कश्मीर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। हमारा वैसे प्लान ये था कि हम आज यहाँ रुकेंगे और कल हम घर की तरफ जाएंगे, लेकिन वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है कि कल दिन को पूरा जो है वो बारिशें हो रही हैं और आज भी 2 बजे के बाद जो है वो बारिशें होंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीनगर जम्मू हाईवे किस चीज़ से बदनाम है, तो हम उस चीज़ का शिकार होना नहीं चाहते हैं। तो रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो फिलहाल अपना जो है वो गियर्स वगैरह लगाते हैं, सामान वगैरह मोटरसाइकिल पे बांध के हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जी, ऑल सेट। और यहाँ से चेक करें जी बाहर के व्यूज, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से हमने इसमें लाइनर्स वगैरह लगा के रखे हैं। अभी फिक्र ये है कि सुबह सुबह ना हमने आज गर्मी को फेस करना पड़ेगा बानीहाल तक, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। पहले फ्यूल हमने भरवाना है क्योंकि फ्यूल काफ़ी कम है। ओए सुबह सुबह की गर्मी यार जम्मू की मत पूछो। तो अभी मोइन भाई कह रहे हैं कि आगे फ्यूल स्टेशन है, मुझे नहीं पता। तो प्यार करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट घर की तरफ। बिस्मिल्लाह तवक्कल तल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो आज हमारे लिए चैलेंज ये है कि आज दिखा रहा है कि वेदर फोरकास्ट आज दोपहर के बाद जो है वो बारिश शुरू और साथ में एक बड़ा अपडेट ये है कि कल हमने देखा था एक पोस्ट ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर की तरफ से कि श्रीनगर जम्मू हाईवे पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। विल सी, आज हमें असल में पता चलेगा मोटरसाइकिल पे जो कल काम किया था तो उसका परफॉर्मेंस हमें आज पता चलेगा, क्योंकि ये जब हम 10-30 किलोमीटर चलेंगे उसके बाद उसका जो है रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आज का हमारा सफ़र वही 300 किलोमीटर घर तक। तो फ़िलहाल श्योर नहीं है कि आज ही घर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह आपको आगे पता चलेगा। वैसे कल आते आते हमें 7 घंटे लगे थे, लेकिन हमें उधमपुर के बीच मार्केट से होके आना पड़ा था। तो आज इंशाल्लाह होप करते हैं कि हम सीधा हाईवे से जाएंगे, उससे हमारा आधा घंटा एटलीस्ट बच जाएगा। बाकी मत पूछो भाई, जम्मू की गर्मी कितनी ख़तरनाक है, जानलेवा है। फ्यूल स्टेशन यहाँ से है और मुझे लगता है हमें आगे से वापस आना पड़ेगा। फ्यूल अप हो गया है, अभी नॉन स्टॉप चलने का। देखो जी कितने सारे ट्रांसफार्मर्स कश्मीर के लिए शायद जा रहे हैं, तो करो ऐश, मगर विंटर ख़त्म होने के बाद आ रहे हैं। तो जम्मू साइड से आने वाली पहली टनल, बेसिकली ये जो नई टनल्स हैं ये बाईपास करती है ओल्ड रोड को। एक और टनल, मुझे लगता है टोटल 5-7 टनल्स को क्रॉस करना पड़ता है आज के टाइम पे, है ना। ये है कटरा और वो जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर वहाँ दिखता है ना, ये है वैष्णो देवी मंदिर। ये है जी उधमपुर का रेलवे ब्रिज, वो आप देख सकते हैं। और चिनाब वैली पे जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ना, हमें वैसे प्लान था वहाँ जाना। मौसम आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। बराबर 40 किलोमीटर के बाद पहला ब्रेक। एक्चुअल में हमें यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने रोका था इसलिए हम रुके, तो सोचा अभी थोड़ा सा पानी का भी ब्रेक लिया जाए। और मुझे कुछ दोस्तों को ना अपनी लोकेशन वगैरह सेंड करनी थी, वो भी सेंड कर दी, अभी चलते हैं आगे। एक्चुअल में ना इनको ट्रैफिक वालों को निंजा के कलर से बहुत ज़्यादा प्यार है,
तो ये लोग शायद सोचे कि इन्होंने भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया होगा। कल हम यहाँ से आए थे उधमपुर मार्केट होके, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से जा रहे हैं। कल मत पूछो कि जब हम जाम में फंसे थे उधर कितनी ज़्यादा गर्मी थी और कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया कल हमें। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उधमपुर मेन मार्केट को स्किप कर रहे हैं। तो पटनीटॉप तकरीबन 60 किलोमीटर अभी दूर है, लेकिन हमें पटनीटॉप से होके नहीं जाना है। और बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव और फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ना लोग ना ऐसे ही सेटल्ड हैं जैसे कि करगिल में या लद्दाख में। और वैसे काफ़ी अच्छी जगह जम्मू है, लेकिन मौसमी एतबार से भाई मत पूछो, दिल्ली के मुकाबले में जम्मू में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। जगहों का ना बिल्कुल मुझे कोई अंदाज़ा है नहीं कि कौन सी जगह क्या है। कुछ मेजर जगह हैं जिनका नाम वगैरह हमें याद है, बाकी अभी तक मुझे जो है ना इस साइड में किसी जगह का नाम वगैरह पता नहीं। इनफैक्ट इस जगह का भी मुझे कोई इल्म है नहीं। कल हम यहाँ से गए थे तो उधमपुर ये जगह का नाम है। और यार है कहीं श्रीनगर कितना है, 186 तो लगता इजी है, लेकिन आगे जो रास्तों की हालत है ना उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर करें। अगर आपने मेरे उड़ी वाले वीडियोस देखे होंगे ना, तो आप देखिए ये पूरा रीजन जो है ना उड़ी से जब हम कमान पोस्ट की तरफ जाते हैं ना, तो बिल्कुल सिमिलर सीन्स वगैरह हैं। और बाय द वे टंगडार के भी ऐसे सीन्स हैं। तो ऐसे मुझे फील हो रहा है कि अभी मैं जैसे या तो टंगडार में राइड कर रहा हूँ, और या मौसमी एतबार से जो है मैं अभी उड़ी के जो है ना कमान पोस्ट वाले साइड में राइड कर रहा हूँ। प्रेम स्वीट्स दी हट्टी, जब भी मेरा कोई जान पहचान का दोस्त वगैरह यहाँ से गुजरता है तो मैं उसको बोलता हूँ मिठाई लाने के लिए। मिठाइयाँ यहाँ से हो रही है पैक। ये ले जी मिठाइयाँ हमने ले ली हैं, लेकिन अभी मसला है इसको इसमें फिट करना। ये बंजी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती हैं, तो देखता हूँ कोई अलग से स्पेस साइड में से इसको फिट करेंगे। हमने मिठाइयाँ यहाँ पे रखी है साइड में, क्योंकि यहाँ पे ना बंजी वगैरह इस साइड नहीं जाती हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, अच्छी हवाएं जो है वो चलनी शुरू हो गई है, लेकिन आगे बारिश ना गिरे बस उस चीज़ की फिक्र है। चले सर, चलिए पीड़ा पे राजमा चावल खाना है। बिस्मिल्लाह, आज हमारा इरादा था कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो चिनाब वैली पे बन चुका है, तो जो रेलवे को ना श्रीनगर जम्मू से कनेक्ट करता वो रेलवे लाइन, तो वहाँ जाने का इरादा था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीज़ों ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप फहीम भाई उस जगह जाए। आई एम सॉरी कि आज वो चीज़ आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सका, क्योंकि आज की इस राइड में ना हमें वेदर जो है ना, वेदर ने हमारा सारा प्लान जो है वो तहस नहस कर दिया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश ज़रूर करेंगे आपके साथ वो जगह शेयर करने की। वेलकम टू चिनानी नाशरी टनल, जो श्रीनगर जम्मू हाईवे की सबसे लंबी टनल है। अभी आगे हमें ना पीड़ा में रुकना है। पीड़ा के दाल चावल जो है कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि पीड़ा के दाल चावल को एंजॉय करना है। ये क्या हुआ है भाई, व्हाट हैपेंड, क्या है ये, ये छाते का भाई, ये ऐसे आया होगा, ये छाते का ना, आप देखो ये कंफर्म छाते का। ये देखो यार मैं तो डर गया, मैं सोचा ना देखो क्या है ये, कहाँ पे था ये, यहाँ से नीचे से और वहाँ से। हाँ ये ऐसे नीचे फेरिंग में से होके ऐसे घुस गया होगा। तो यार मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हो गया जब ऐसे केबल उठा के बैठे थे। आई थॉट कि शायद इनका क्लच केबल कट गया है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आया था।
बिस्मिल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ के ना बैक साइड के व्यूज, और अगर किसी को पता है वो रोड कौन सा वाला है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आगे वो बंद है लेकिन वहाँ कोई टनल है। फिलहाल हमने हाफ प्लेट मंगाया है, ये कल का जो लंच है ना वो कल का लंच हमारा हो चुका है और अभी हम थोड़ा सा जब तक हमारे वो अजीज आएंगे तब तक थोड़ी सी ना नींद की झप्पियाँ लेंगे हम। इन्होंने ना हमारा पूरा 2 घंटा ज़ाया कर दिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन और यूज कराना। ओके जी बिस्मिल्लाह। तो जी फाइनली पूरा 2 घंटा, हाँ 2 घंटा हमें यहाँ पे हुए हैं। एक चावल, 2 बार चाय, मगर मुलाकात ज़रूरी था, मिलना इनसे ज़रूरी था। ओफ 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 ओफ, लो जी टनल में भी अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। गूल गुलाबगढ़ के लिए रास्ता हो जाता है जिसका मैंने आज तक नाम ही सुना था, गूल गुलाबगढ़, और रास्ता भाई दिल्ली यहाँ से जाता है। तो अब हमारे लगभग 40 किलोमीटर जो है वो जैम में भी निकल सकते हैं और ख़राब रास्ता तो है ही, ये वाला सेक्शन फेल हो गया इसका। ऐवें ही श्रीनगर जम्मू हाईवे बदनाम नहीं है यार, ये है ही बदनामी के लायक। अगरचे इसका 90% पार्ट जो है ना वो ठीक हो चुका है, 10% जो है ना वो कयामत करता है भाई कयामत। 4 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं जी रामबन। भाई दिवे ये मेरी बचपन की ना ड्रीम कार थी, पजेरो 4x4। यानी हाल पीर पंचल रेंज के इस साइड में लास्ट, जब हम यहाँ से जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते हैं और जब हम श्रीनगर से जम्मू की तरफ आते हैं तो पहला इलाका, पहला गांव यही बानिहाल ब्लॉक पड़ता है। मुश्किल से हमने बानिहाल टाउन को क्रॉस कर लिया है, अभी हम बढ़ रहे हैं जी टनल की तरफ और बारिश भी शुरू हो गई है। चलो शुक्र है कि इस बारिश ने हमें वहाँ नहीं पकड़ा जहाँ पे रास्ता ख़राब था, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और करते हैं जी जम्मू डिवीज़न को यहाँ पे अलविदा और मिलते हैं आपसे सीधे अपने कश्मीर के डिवीज़न में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टनल हमने कंप्लीट कर ली है और ये लें जी अभी हम एंटर हो चुके हैं जी अपना कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम वादी कश्मीर, वेलकम टू कश्मीर। अभी समझो मैं घर पहुंच गया हूं, अगरचे मेरा घर अभी 130 किलोमीटर दूर है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मैं घर पहुंच गया हूं। तो करते हैं इस जम्मू वाले इस तीसरे एपिसोड को यहीं पे अलविदा। अब मुझे नहीं लगता कि अभी मैं आपके साथ यहाँ से लेके घर तक जर्नी शेयर कर पाऊँगा क्योंकि बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, मुझे रेन गियर्स वगैरह लगाने हैं, ऊपर से मेरे गोप्रो का वो जो वाटरप्रूफिंग के लिए होता है वो मेरे साथ आज है नहीं। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।